नहीं है, और उनकी अनुपस्थिति में, उन तीनों लोगों की अनुपस्थिति में यह पहली बार ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस मंच के माध्यम से मैं राज भैया से कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। जब सुंदर भैया चुनाव लड़े थे तो मुझे लगता है कि तब उनको उतने वोट नहीं मिले थे त्यूनी और आसपास के अंचल से, जितने राज भैया को इस बार यहां से वोट मिले थे। लोगों के प्यार में कोई कमी नहीं है, लोगों का प्यार दो गुना तीन गुना मिलेगा इस बात की गारंटी है, लेकिन आपको अपनी सक्रियता गांव के मेड़ौर में चारों तरफ और ज्यादा और तन्मयता के साथ बनानी पड़ेगी। मेरा यह मंच के माध्यम से अनुरोध है। जहां तक बात है परिवार की, तो सारा परिवार एक है और एक रहेगा। बबला दादा के जाने के और सुंदर भी और दादा सबके जाने के बाद आप ही हम सब के, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप सबकी ही बात कर रहा हूं, हम सब के आप राजनीतिक अगुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और सब आपके पीछे उसी भांति लगेंगे जैसे दादा के लिए, सुंदर भैया के लिए हमेशा मेहनत होती थी। सबका उसी तरह से स्नेह मिलेगा, सबका उसी तरह से आशीर्वाद मिलेगा। आपको थोड़ा सा और सक्रिय होने की आवश्यकता है, गांव में, बड़ोर में, अपने सब लोग परिवार के बीच में आपको सक्रिय होने की आवश्यकता है। और मैं वादा भी करता हूं कि त्यूनी और आसपास का मेड़ौर आपके रथ के मजबूत पहिए बनेंगे, और रथ जब तक आपका विधानसभा लोकसभा नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये लोग हार नहीं मानने वाले हैं। आपके लिए यहां पर बैठे हुए हर आदमी का प्रेम ठीक वैसा ही है जैसे सबका प्रेम अपने इकलौते बच्चे के लिए होता है। तो आपको कभी यह मानने की जरूरत नहीं है कि सुंदर भैया इस दुनिया में नहीं है। यहां पे हर बैठा इंसान सुंदर भैया के रूप में बैठा हुआ है और आपको दिल से आशीर्वाद देगा, और आपको जब भी जरूरत होगी, चाहे 17 सितंबर हो, चाहे जब भी हो, रात के 12 बजे भी यहां के लोग आपके लिए खड़े रहेंगे। बस जरूरत है आपके भी थोड़ा सा और सक्रिय होने की। मैं 17 सितंबर में मुझे जो भी जिम्मेदारी आप लोगों के द्वारा दी जाएगी, जो भी मेरी हैसियत रहेगी, मैं उस हिसाब से मैं अपनी जानकारी, हालांकि मैं राजवीय को दे भी चुका हूं, तो आप सब 17 सितंबर को आए। और मुझे लगता है कि दादा के कार्यक्रम में कभी किसी को इनवाइट करने की, आमंत्रण देने की जरूरत पड़ी नहीं है। दादा तो आपके घर के मुखिया थे, और घर के मुखिया, घर में किसी का निमंत्रण होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपकी सबकी जिम्मेदारी भी है कि आप उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और मैं इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सभी को। चरण स्पर्श प्रणाम।